तो दोस्तों बैठे बैठे आपने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, फॉलो कर लिया, और उन्होंने तुम्हें कचरा समझ के एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब तुम्हारी एक रिक्वेस्ट आईडी तो उनकी उसमें पड़ी हुई है। साल साल दो दो साल से तुमने जितने लोगों को फॉलो किया है सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो अब आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और उनके वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट हटा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे योर एक्टिविटी में जाना है। योर एक्टिविटी में जाके सबसे नीचे जाना है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको डाउनलोड और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन पे जाना है और सब योर इन्फॉर्मेशन पे जाके आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए। तो अपन को यहाँ चाहिए फॉलोवर्स और फॉलोइंग, इस पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट कर देना, डाउनलोड टू डिवाइस कर देना। उसके बाद आप डेट के ऑप्शन में जाके डेट सेट कर लेना, लास्ट 3 ईयर चाहिए या मंथ की चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए उस यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना। उसके बाद आप डेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, डेट से डेट डाल के। उसके बाद आप क्रिएट फाइल करना है, जिससे फाइल क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट फाइल पर क्लिक करके थोड़ी देर बाद आपके यहाँ डाउनलोड लिख के आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है किसी भी एक फोल्डर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आप इसमें ओपन करके देख सकते हैं, ये सब आपके नाम लिखे हुए हैं। आप इनको बैठ के अनफॉलो कर लीजिए और हटाइए उनको जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अराउंड पेंडिंग पे जाना है आपको, तो पेंडिंग है जो पड़ी हुई है ना उनको बस ये आ गए और किसी भी नाम पे क्लिक किया, उसका नाम ओपन होएगा। ले भाई मत कर तू फॉलो, हटा किया तेरे को अनफॉलो। बस अपने आईडी में खोल के अनफॉलो को मार देना।